हेलो स्टूडेंट आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के आठवें भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको पैकिंग इफिशियंसी ऑफ SCP एंड FCC के बारे में बतलाया था। आज हम लोग पैकिंग इफिशियंसी ऑफ BCC यानी BCC की संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है। ये एक यूनिट सेल है BCC टाइप का। इस यूनिट सेल में A, B और C तीन ट्रायंगल के तीन भुजाएं हैं। इन भुजाओं में ये जो हमारा मान है, ये जो रिज है, इसका लेंथ जो है A है, तो इसको अगर हम B को निकालेंगे तो √2A आएगा। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटोमस है यानी कर्ण है, लंब है, आधार है। हम जानते हैं कि BCC में यूनिट सेल में दो गोले होते हैं। वी नो दैट टू स्फीयर फाउंड इन BCC यूनिट सेल इफ यदि इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल आर इक्वल आर, इसलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इक्वल 4/3 πr³। इसलिए वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इक्वल 2 × 4/3 πr³। 4 × 8/3 πr³। हम जानते हैं कि BCC यूनिट सेल में दो गोले पाए जाते हैं। यदि गोले का त्रिज्या जो हो R हो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल क्या होता है, 4/3 πr³। इस हिसाब से चूंकि दो स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³ इक्वल 8/3 πr³। यह जो है वॉल्यूम हमारा स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABC। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस ने क्या बतलाया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, AC² = BC² + AB²
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा लंब है ए बी, और ये हमारा आधार जो है बी सी है। लंब क्या है? ए बी है, और ए सी क्या है? हमारा कर्ण है। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं हियर साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल हियर बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल रूट टू ए, और परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का आधार जो है रूट दो है, और लंब जो है वह ए है। तो इसके हिसाब से जब सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर रूट दो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a² प्लस a² बराबर हो जाएगा 3a². अब इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हमें ac के बराबर ac स्क्वायर के बराबर क्या मिला है? ac स्क्वायर इक्वल रूट इक्वल 3a², तो ac इक्वल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a² बराबर हो जाएगा रूट 3a। ये हमारा हाइपोटोमस है, कर्ण है, ये कर्ण है। चूंकि ये जो देखिए आप, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है किसका? क्यूब का। डायगोनल इंटर डायगोनल ऑफ ए क्यूब घन के अंतः विकर्ण का मान जो है वह क्या है? इक्वल है 4r। देखते हैं 2r r, यानी 4r, यानी ac इक्वल 4r। ac का मान कितना आया है? रूट 3a इक्वल 4r। चूंकि ac बराबर और रूट 3a, तो क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 4r बटे रूट 3। और रूट 3a इक्वल 4r, तो r बराबर क्या हो जाएगा? रूट 3a नहीं आतेगा, हाँ, तो चूंकि a बराबर आ गया हमको 4r बटे रूट 3, तो रूट 3 से a में गुना करेंगे, रूट 3a इक्वल 4r, तो r इक्वल क्या हो जाएगा? रूट 3 बटे a बटे 4, इसलिए r बराबर रूट 3a बटे 4।
आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल आर एंड कॉन्स्टेंट पार्टिकल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी इक्वल टू। अब जानते हम यदि हम इस स्फीयर को पहले ही मान चुके हैं कि उसकी त्रिज्या क्या है, आर है, और आप जानते हैं कि बीसीसी में जो कणों की संख्या होती है वह दो होती है, तो इसलिए पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू 100 बाई फोर बाई रूट थ्री का क्यूब यानी ए क्यूब इंटू थ्री इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बीसीसी में, दो गुने वॉल्यूम कितना है 4/3, पाई का मान कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 इंटू 4/3 ए क्यूब का मान है 4/√3 का क्यूब इक्वल होगा 2/4 पाई का मान 3.14 होता है इंटू 100 इंटू 3√3r³/4/√3 का क्यूब इंटू यहां का जो 4/3 था इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 2×4 × इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 × 3√3r³/ 64 r³/3 r³ साफ 4 × 8 32 × 64 16×64
और इसको काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, थोड़ा सा घचपच हो रहा है, इसको मिटाते हैं पूरा को। फोर बाई थ्री आर क्यू इक्वल हो जाएगा टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर, तो पाई का मान हो जाएगा इंटू 314 गुने 100 गुने आर क्यूब, बटे 64 बटे 3√3 आर क्यू गुने 3। आर क्यू से आर क्यू खत्म, और ये जब दशमलव हटाए तो ये 100 भी खत्म। अब रूट तीन ऊपर जाएगा तो 2 × 8 गुने 314 इंटू 3√3 बटे 64, 8 × 28 = 64, 3 × 24 = 7। इसको अगर काटेंगे इंटू 3 भी ऐसे तो 3 × 4 = 7 = 8, 3 से 3 से देखते हैं। अवयवी कणों की संख्या 2 × 4/3 पाई का मान 3.14 गुने 100 गुने आर क्यू बटे 4√3 आर क्यू, तो 2 × 4/3 3.100 से जो है गुना किए 3.14 में तो 314 आर क्यू, और इसको जब क्यूब में बनाया तो 4 × 16 = 64/3√3 आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू 7। अब हमारे पास बचा 4 × 8 गुने 314, और ये जो 3√3 है ये ऊपर गया, 3 से 3 को साफ कर दिए, 8 × 28 = 64, तो हमारे पास बचा 314√3। रूट तीन का मान होता है 1.732, तो 314 में 1.732 से गुना करते हैं तो आता है 543.848, और बाई जो है 8 है, बाई 8 जब इसको डिवाइड करते हैं तो यह आता है 67.981% या 68%। ये जो है बीसीसी की संकुलन क्षमता होती है। अब हम एससी की संकुलन क्षमता को याद करेंगे। हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससी यूनिट सेल, एससी की संकुलन क्षमता। यहां ए जो है एक आर और एक आर, 2R दिया गया है, तो ए बराबर 2R तो R बराबर ए बाय 2, ठीक है। तो पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता ऑफ एससी यूनिट सेल इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय ए क्यू, और परसेंट में बदलने के लिए हम 100 का प्रयोग करते हैं, इक्वल हो जाएगा। आप जानते हैं कि एससी में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, एससी के 1 होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्या है, तो ए बाई 2 का क्यू, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। हाँ, इसको हम मिटाते हैं, सॉरी यहां पर हमारा ए का वैल्यू जो है 2R है, 2R का क्यू, 2R का क्यू। अब इसको हम मिटाते हैं, देखते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1 × 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर क्यू बाय 2R, तो 2 × 4 × 8 आर क्यू इंटू 100 इक्वल हो जाएगा। आर क्यू से हम आर क्यू को रिप्लेस 1 × 4/3, तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू खत्म हो गया, अब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3.14/24, 6 जा इक्वल होगा 3.14/6 इंटू 100। अब ये हो जाएगा, ये 100 जो है इसके नीचे 100 है, तो 3.14/100 इंटू 100/6, 100 से 100 गायब हुआ। इस चित्र को हम मिटाते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 314/6, 314/6, 6×5=30, 1×14, 6×2=12, 2×20, 36×18। ये जो है एससी की पैकिंग इफिशियंसी होगी। इस प्रकार हमारा जो है विभिन्न प्रकार के यूनिट सेल के पैकिंग इफिशियंसी को कैसे ज्ञात किया जाता है, हमने उसे आपको बता दिया। अब इससे आगे वाले भाग में हम आपको जानकारी देंगे अगले टॉपिक के बारे में। बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।